चुनावी साल होने के कारण बिहार की राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरजेडी कार्यालय के सामने। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह बड़ा सा पोस्टर है और पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सर चुनाव आने वाला है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए सर। और आप देख सकते हैं एक तरफ यानी बाएं तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी खड़े हैं, जो हाथ जोड़े हुए हैं। और ठीक उनके बगल में यानी दाहिने तरफ आप देख सकते हैं, इसमें अमित शाह की तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी आग्रह कर रहे हैं अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि सर चुनाव आने वाला है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए सर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जवाब होता है नहीं, ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का के ठीक ऊपर लिखा हुआ है, क्यों ना ट्रंप से मांग लिया जाए। यानी बिहार की जो राजनीति है वह ट्रंप तक पहुंच गई है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। आप लोगों ने बिहार की राजनीति ट्रंप तक पहुंचा दी? हम लोगों ने नहीं पहुंचाई है, हम लोगों ने व्यंग किया है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, बिहार का हक और हकूक नहीं मिल रहा है, तो हम व्यंग कर रहे हैं कि डबल इंजन में विशेष राज्य के दर्जे के लिए गिड़गिड़ा रही है बिहार की सरकार, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। तीन साढ़े तीन वर्षों तक डबल इंजन में है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग याद नहीं आई थी। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने इस मुद्दे को लेकर के उठाया और इस मुद्दा पर बात किया कि केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है, बिहार के साथ नाइंसाफी हो रही है, तब अमित शाह जी के सामने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप दे दीजिए। भाई लेने वाला देने वाला दोनों तो एक ही है। आपको लगता है ये चुनावी साल है, इसमें केंद्र सरकार कुछ सोचेगी बिहार के बारे में और बिहार सरकार के बारे में, विशेष राज्य के दर्जे के बारे में? देखिए पूरा देश और दुनिया बिहार की जनता ने देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे पटना यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जे की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ करके विनती किया था, इसके बाद भी नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, विशेष पैकेज पर कोई बात नहीं हुई। तो हम लोगों ने कहा है कि तब तो ये दोनों विचार कर रहे होंगे अब तो मिलेगा नहीं, चुनावी मौसम है, अब इनको कुछ मिलने वाला है नहीं, तब ये ट्रंप से मांगेंगे, यही ना जनता के पास क्या संदेश देंगे? आरजेडी और महागठबंधन के लिए यह चुनावी मुद्दा बनेगा विशेष राज्य का दर्जा? देखिए चुनावी मुद्दा रहा है, हम बिहार के 11 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे जब तक हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी खड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है बिहार की गरीब जनता के साथ। इसलिए इन लोगों ने, डबल इंजन की सरकार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है, अब जनता से माफी मांगे बिहार की सरकार के मुखिया उप मुखिया। तो निश्चित रूप से बिहार विशेष राज्य का दर्जे की जो मांग है वह काफ़ी तेज हो गई है, और यह चूँकि चुनावी साल है तो यह चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा। और एक तरीके से यह जो पोस्टर है इसे आरजेडी ने जारी किया है और कटाक्ष सीधे जदयू नीतीश कुमार की सरकार पर है कि नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अमित शाह के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और कह रहे हैं कि चुनावी साल है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो रिएक्शन है उनका ना में जवाब है, और उसके बाद इनकी यह सोच है कि क्यों ना बिहार विशेष राज्य की दर्जे की जो मांग है वह ट्रंप से की जाए। तो यह पोस्टर के माध्यम से जदयू ने, एक तरीके से कहे तो आरजेडी ने जदयू पर कटाक्ष किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जदयू इस कटाक्ष के यानी आरजेडी के इस कटाक्ष का जवाब किस रूप में देती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News24।